महोबा के बुंदेली समाज ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के विरोध में प्रधानमंत्री को अपने खून से खत लिखकर विरोध जताया और कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री से विरोध नहीं अनुरोध कर रहे हैं कि गैस के दाम वापस ले लीजिए। बता दें कि उन्होंने अपने खून से खत लिखा है बुंदेली समाज द्वारा मुख्यालय के आल्हा चौक पर एकत्रित होकर अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैस सिलेंडरों के बढ़ते हुए दाम वापस लेने की मांग की गई और हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम वापस लिए जाने की नारेबाजी की गई। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्यवाही होती है, प्रधानमंत्री जो है वो गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे या नहीं। बहुत सिंपल सी बात हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, कोई नेता गिरी वाली बात नहीं, एक आम आदमी की बात उन तक पहुँचाने चाहते हैं कि जनता उनको पसंद करती है, योगी जी को भी मोदी जी को भी, हमारे प्रधानमंत्री अद्भुत प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अद्भुत मुख्यमंत्री, और हम लोग चाहते हैं कि वो बने रहें। उनको केवल एक अनुरोध कर रहे हैं कि जो जरूरी लोगों की जीवन में जो जरूरी, अभी जैसे सुना था कि बिजली के दाम वो बढ़ाने वाले थे, तो साथ में अभी तुरंत में गैस के दाम बढ़ा दिए, तो इससे क्या है कि लोगों को अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी आम जनता को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये गैस के दाम तुरंत में वापस लिए जाएँ और आगामी समय में जो बिजली के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें जनता के लिए कुछ रियायतें ऐसी दी जाएँ कि जो साधारण लोगों को उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसी विरोध में आज हम लोग अनुरोध में बैठे हुए हैं यहाँ पर उनको बताने के लिए। देखिए, कल जो है गैस के दाम, घरेलू गैस के दाम 50 रुपये और कॉमर्शियल के 350 रुपये बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया था, और ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब होली का त्यौहार आने वाला है, और इस सरकार के इस फैसले का जो है जनता में गलत मैसेज जा रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर तरफ विकास हो रहा है, लेकिन सरकार के इस फैसले से आम आदमी, जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको परेशानी हो रही है। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, खासतौर से मोदी जी से, कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, और इसी को ध्यान में रखते हुए ही हम प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिख रहे हैं और उनसे यही बात अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपने इस फैसले पर जनता के हित में विचार करें।